हर सोई रा छाड़ के करहे आन की आस ते नर दो जक जाहेंगे सत पाखे रविदास। आओ अपने इष्ट की मन में धरिए आस और देव नहीं पूजिए नमो गुरु रविदास। बाप पिपल दास गुरु सरवण दास हरिदास गुर जोए सोहम दी रखया करे विघन न लागे कोए। तन तन सतगुरु ग्रीव दास बंदो नित सुबह छाम चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जी महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवंदा जी सचखंड बल्लां विखे गरीबां दे मसीहा चारां जुगां दे मालक अमृत बाणी दे रचेता धन धन साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज धन धन श्री गुरु बाबा पिपलदास जी महाराज धन धन सतगुरु स्वामी सरवंदास जी महाराज धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज धन धन सतगुरु स्वामी ग्रीवदास जी महाराज गुरगद्दी पर विराजमान सत्कारयोग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज रविदासिया कौम के अमर शहीद ब्राह्मलीन श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज सब महापुरशां के चरणों के विच कोट कोट नमस्कार नमस्कार नमस्कार। असमुचियां संगतां संगरान दे पवित्र दिहाड़े दे उत्ते डेरे दे संचालक गुरगद्दी उत्ते विराजमान सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सतगुरां दी पावन रसना दे विच्चों अज जो पूरे संसार भर विच नवा महीना प्रारंभ होया है उसका नाम असीं समुचियां संगतां ने सतगुरां दी पावन रसना दे विच्चों सरवण कीता। भादरो दा महीना पूरे संसार भर दे विच प्रारंभ होया है। सतगुरु जी दे चरणां दे विच अरदास है कि गुरु जी कृपा करन समुचा जो महीना है वो समुचियां संगतां दे लई खुशियां भरिया भागा भरिया मंगलमय कल्याणकारी होवे। सतगुरु जी कृपा करन समुचियां संगतां ते सभनां दे कारज रास करन। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने इस पावन पवित्र महीने दे राहीं समुची मानवता नूं पावन उपदेश बख्शिश कीते। आओ समुचियां संगतां सतगुरु रविदास महाराज दी पावन पवित्र बाणी विच जो इस महीने दे राहीं सतगुरु जी समुची मानवता नूं समझाउणा करदे आ समुचियां संगतां सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी सरवण करिए जी।
पदरो परम पुलाया माया संग प्यार गुरबिन शांत न पाए हैं जन्म मरण में बारंबार पदरो परम पुलाया माया संग प्यार गुरबिन शांत न पाए हैं जन्म मरण में बारंबार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज भादरो दे महीने दे राही संगतां नूं पावन उपदेश बख्शिश करदे ने ते भाई भादरों के महीने भाव मनुख जन्म विच लग के प्रभु नू भुल के माया दे नाल प्रेम करता है गुरबिन शांत ना पाए हैं जन्म मरण में बारंबार लेकिन सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई इस जीवन विच गुरु तो बिना जीवन नूं शांति प्राप्त नहीं हुंदी और ये जीव बार बार जन्म मरण दे चक्कर दे विच फसिया रहिंदा है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने समुची मानवता नूं गुरु दी शरण दे विच जाण दा पावन उपदेश बख्शिश कीता गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हर दम ध्यान नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। सतगुरु जी उच्चारण करदे आ कि भाई गुरु दी मूरत नूं अपने मन दे विच वसा के उस दा ध्यान करना चाहीदा है चाहे जीव किन्नी भी दूर बैठा क्यों ना होवे। आज लोग विदेशों में बैठे ने महाराज जी नूं याद करते ने ते महाराज जी भी अपनी पवित्र रसना तो कहिंदे कि भाई गुरु नूं जिथे भी तुसी याद करते हैं गुरु महाराज हाजर नाजर ने। सतगुरु जी कहिंदे गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हर दम ध्यान पागां वाले जीव ने जिन्हां नूं गुरुआं दे दर्शन हुंदे ने उस तो भी बड़े भाग सतगुरु जी कहिंदे उन्हां दे है जिन्हां नूं अंदर अपने गुरुआं दे दर्शन हुंदे है ते सतगुरु जी कहिंदे गुरु दी मूरत दा अपने हिरदे दे विच ध्यान करना चाहीदा गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हर दम ध्यान नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। फिर सतगुरु जी उच्चारण करदे आ कि भाई शरीर नूं तां असीं इशनान कराउंदे आ शरीर दा इशनान पाणी दा इशनान है नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भौ लथी नातिआं दो बार चढ़ीए होर बाहरों धोती तूंबड़ी अंदर विसनकोर साध भले अण नातिआं चोर से चोरा चोर।
सतगुरु जी कहिंदे नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। भाई जिहड़ा नाम दे नाल इशनान कर लैंदा है नाम दे विच सतगुरु जी कहिंदे उस भव सागर दे विच डुबकी लगा दिंदा है, कहिंदे फिर गुरु दे द्वारे दे विच उस नूं सम्मान प्राप्त हुंदा है, गुरु उस ते कृपा कर दिंदा है। ते आओ गुरु प्यारी सात संगत जी, असीं भी सतगुरु जी दे चरणां दे विचों नाम दीआं दातां प्राप्त करके प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। सतगुरु जी उच्चारण करदे आ कि जो परम आनंद है, लोग सोचते हैं कि भाई वो आनंद माया कट्ठी करन दे नाल है, कोई सोचता भी हो सकता महल बाड़ियां दे विच है। सतगुरु जी कहिंदे साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए, भाई उस आनंद दे अगे सारे आनंद दुनिया दे फिक्के ने। ते सतगुरु जी कहिंदे वो आनंद उन्हां दे जीवन विच है जिन्हां ने उहदा स्वाद चखिया है। गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, सतगुरु जी कहिंदे जिवें गूंगे व्यक्ति नूं गुड़ दित्ता जावे पुछया जावे किन्ना क मिठा आ, कहिंदे वो बोल के नहीं दस सकदा, उहदा स्वाद नहीं दस सकदा। सतगुरु जी कहिंदे भगवान नूं मिलण दा आनंद जिन्हां दे आ जीवन विच आनंद है, जिवें अखां उहदी मुस्कुराहट तों उहदे चेहरे तों पता चल सकदा वी इहनूं आनंद आ रिहा है, स्वाद लगा होया है, लेकिन रसना तो बोल के नहीं दस सकदा। सतगुरु जी कहिंदे इसे तरह भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिख मारग चलना। गुरु जी कहिंदे उहनां दी दुनिया ते चाल ही बखरी है, उहनां दे जीवन दे विचों पता चल जांदा है। ते सतगुरु जी उच्चारण करदे इसे तरह भाई जिन्हों जीवन दे विच गुरु बिन शांत ना पाए हैं जन्म मरण में बारंबार। सतगुरु जी कहिंदे भाई गुरु तो बिना जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इत्ते चानण हुंदे आ गुरु बिन कोर अंधार। गुरु दे उपदेशां नूं जदों जीवन दे विच सतगुरु जी कहिंदे भाई बस इह सचमें बसा लैंदे आ, फिर जीवन दे विच सुख सुख नहीं लगदा, दुख दुख नहीं लगदा, तेरा पाणा मीठा लागे। सतगुरु जी कहिंदे फिर जीवन विच किहो जिही भी परिस्थिति आ जावे आदमी जीवन दे विच गुरु दे जदों हुक्मां दे विच रहिंदा आ। ते सतगुरु जी कहिंदे जिवें बच्चा स्कूले पढ़न जांदा आ ते साल बाद उहदे पेपर हुंदे, एग्जाम हुंदे आ, टेस्ट लिया जांदा आ, जिवें प्रीख्या हुंदी आ ते प्रीख्या दे विचों पास भी हो जांदे आ, फेल भी हो जांदे आ। सतगुरु जी कहिंदे इसे तरह भाई गुरु भी जीवन दे विच कई प्रकार दीआं प्रीख्या लैंदे आ। ते सतगुरु जी कहिंदे भाई जदों जीवन विच आदमी पास हो जांदा फिर जीवन विच आनंद आनंद है, गुरु कृपा कर दिंदा, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। कहिंदे फिर उहनूं बोल के दसण दी जरूरत नहीं है, मंगण दी लोड़ नहीं है, सतगुरु आप ही कृपा कर दिंदे, आप ही अपने शिष्य दे उत्ते मेहर भरिया हथ रख दिंदे है। ते आओ गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु जी अगलियां पंक्तियां अंदर उच्चारण करदे है। जिना विसारिया राम नाम गुरु चरनी नहीं प्यार त्रिग तिना का जीवना काहू आए संसार जिना विसारिया राम नाम गुरु चरनी नहीं प्यार त्रिग
जगत ना का जीवना काहू आए संसार जिना बिसारिया राम नाम गुरु चरणी नहीं प्यार। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई जिन्होंने अपने जीवन दे विच्चों परमात्मा दे नाम नूं विसार दिता है और गुरु दे चरणां दे नाल सतगुरु जी कहिंदे उन्हां दा प्यार नहीं है। सतगुरु जी कहिंदे उन्हां दा इस संसार दे उत्ते आउणा त्रिग है। वो इस संसार दे उत्ते किस कार्य वास्ते आए ने। नानक कचड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओ जविंदे बिछड़े ओ मोया ना जाई छोड़। सतगुरु जी कहिंदे भाई कच्चियां दे नालों प्रीत तोड़ के नाम जपण वाले साधुआं दे चरणां दे नाल प्रीत कर। सतगुरु जी कहिंदे अटल सच्चाई है जिहड़े नाम जपण वाले महापुरश ने वो इत्थे भी सहाई है, लोक विच भी सहाई है और परलोक विच भी सहाई है। जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कोह रविदास चमार। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई संसार का रंग कसुंभ की तरह है, कच्चा है। तो सतगुरु जी कहिंदे मेरे रमैये रंग मजीठ का, मेरा जो रमैया है, मेरा जो प्रीतम है, मेरा जो प्यारा है पक्का है, मजीठी रंग है, भाव जीवन में उतरन वाला नहीं। सतगुरु जी कहिंदे जीवन दे विच एक बार चढ़ जवे लाल रंग जिसे लागा से बड़भागा, मैला कदे ना होवे नह लागे दागा। सतगुरु जी उच्चारण करते कि भाई वो मजीठी रंग जिन्हां दे जीवन दे विच चढ़ जांदा है ते वो जीवन दे विच उन्हां दा जीवन रंगिया जांदा है। हुण सवाल ये है कि वह मजीठी रंग मिलन वाला कित्थों है। दुनिया दियां दुकानां तों तां सतगुरु जी कहिंदे वह मिलन वाला नहीं, नाम जपण वाले साधुआं दी शरण विच्चों। सतगुरु जी कहिंदे वड्डे वड्डे दुनिया दे उत्ते राजे होए ने, धन दौलत है, माया है, नौकर चाकर है, सारिया सुख सुविधा ने, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के भिखारी बन के आ गए, नीवे बन के आ गए, झुके आ गए है। सतगुरु जी कहिंदे भाई गुरु के चरणों के दाता मिलने वाली ही उन्हों ने जिहड़ा नीवा हो के आ गया, गुरु के चरणों में नमाणा बन के आ गया है। राजा पीपा राजा बन के आया है तो गुरु के चरणों के खाली चला गया है, फिर सेवक बन के आया, गुरु ने कृपा की है। तो आओ गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु कृपा करने वाले ने मीराबाई चतौड़ तो चल के सतगुरों के चरणों के आई है। तो मीरा का भरोसा पक्का है, जीवन दे विच कठिनाई भी है, चाहे सुख है चाहे दुख है। सतगुरु जी कहिंदे जिन्हां दा सच्चा प्यार है गुरु दे चरणां दे नाल, भाई वो जीवन दे विच डोलदे नहीं है। उन्हां दा यही है कि सच्चे पातशाह जी जीवन विच दुख आ जावे ते वो कहिंदे सच्चे पातशाह जी सुख भी आप जी ने दित्ते है ते दुखां दी निवृत्ति भी आप जी ने करनी है। ते आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, मीरा दे घरदिआं ने
अगर मीरा नूं मारन वास्ते जहर भी दिता है ते मीरा गुरु दे नाम दे उत्ते जहर दा प्याला भी पी गई है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सतगुरु जी कहिंदे जिन्हां दा भरोसा अपने गुरु ते है, साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संग तोरी। सतगुरु जी कहिंदे सच्चे पातशाह जी मेरी आप जी दे नाल सच्ची प्रीत है। सच्ची प्रीत अगर गुरु जी नूं कहना पिया, भाव किते ना किते झूठी भी सी, नकली भी सी, इस करके उन्हां नूं इह शब्द नाल लाउणा पिया साची प्रीत हम तुमसे जोरी। सतगुरु जी कहिंदे गज साढ़े त्रै तै धोतियां तेरे पाइन तग, गली जिन्ना जपमालियां लोटे हथ नबागो, हर के संतन आखिए बानारस के ठग। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठग ने कु स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ कु मार्ग टहके, साची प्रीत बिन राम ना पाया। सतगुरु जी कहिंदे भाई सच्ची प्रीत तो बिना नहीं प्राप्त हुंदा है। बारी जीवन किहो जिहा भी होवे, तन दे उत्ते कपड़े चाहे फटे पुराने भी क्यों ना होण, सतगुरु जी कहिंदे जदों गुरु दे प्रति साडी शरदा पक्की है, गुरु दे चरणां दे विच कोई नमाणा बन के झोके आ गया ते सतगुरु जी कहिंदे सतगुर फिर कृपा कर दिंदा है, मेहर कर दिंदा है। तो आओ अगलियां पंक्तियां अंदर सतगुरु जी समझाउणा करदे ने। पव जल माहे पवन दया ना उरवार ना पार, गुर चरणन का आसरा जिन मन लीना तार, पव जल माहे पवंदिया ना उरवार ना पार। सतगुरु जी समझाउणा करदे आ कि भाई संसार रूपी भव सागर विच तरदिआं कोई किनारा नहीं मिलदा, भाव लोक परलोक विच सुख नहीं मिलदा है। गुरचरणन का आसरा जिन मन लीना धार, जिन्हां जीवां ने गुरु चरणा नूं मन विच धार लिया अते ओह गुरु चरणा नूं प्रणाम करके इस संसार दे भव सागर नूं पार कर जांदे ने। सतगुरु जी कहिंदे भाई इस संसार नूं संसार भव सागर नूं तरन दा इक्को मार्ग है कि गुरु दे चरणा दे नाल जदों असीं जुड़ जांदे हां ते इसनूं पार कीता जा सकदा है। चलती चक्की देख के दया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा ना कोए। सतगुरु जी कहिंदे कबीर साहब जा रहे आ, कोई बुढ़ी माता चक्की चला रही आ ते उह देख के भावुक हो गए आ कि भाई दोनों पुड़ां दे विच जिन्ने भी दाने आए आ उह सारे पीसे गए आ। ते पुछया महाराज कोई बचण वाला है, कहिंदे हाँ। कहिंदे जिस चक्की दे डंडे दे नाल उस चक्की नूं घुमाया जांदा आ, जिहड़े दाने उस डंडे दे नाल जुड़ जांदे आ कहिंदे उह पिसण तों बच जांदे आ। भाव सतगुरु जी कहिंदे भाई जिहड़े गुरु दे चरणां दे नाल जुड़े होए आ, जिन्हां दी प्रीत गुरु दे चरणां दे नाल है, उह इस संसार दे भव जल नूं पार कर जांदे है। कर डंडौत गुर चरण में भवनिद उतरे पार,
गुरुदेव गुरु समझ के करी शुक्र विचार कर दंडौत गुरु चरण में भवनी दो उतरे पार। सतगुरु जी कहिंदे भाई जदो गुरु दे चरणां दे विच असी नमस्कार करदे हां दंडौत करदे हां मत्था टेकदे हां ते सतगुरु जी कहिंदे संसार दे भवजल नूं पार कीता जा सकदा है। सीस नवाए गिरपड़ी लख पापन की पोट। गुरु जी कहिंदे सिर दे उत्ते कोई भार चक्किया होवे कोई पंड रखी होवे भार दी ते की करदे आ गर्दन सीधी रखदे आ आकड़ी रहिंदी है ते जदों उस गर्दन नूं नीवी करदे आ झुकाउंदे आ सिर दे रख्या होया भार जिहड़ा उह थले गिर जांदा। सतगुरु जी कहिंदे सीस नवाए गिरपड़ी लख पापन की पोट। मैं जिहड़ी सिर दे उत्ते अपने पापां दी पोटली चक्की फिरदा सी पंड चक्की फिरदा सी वो अज मैं गुरु दे चरणां दे विच मत्था टेक दिता है गुरु दे चरणां दे विच नमस्कार कर दित्ती है। ते आओ गुरु प्यारी सतसंग जी गुरु जी समझाउणा करदे आ कि भाई गुरु चरणां दे विच जदों असीं मत्था टेकदे आ गुरु दे चरणां दे विच असीं नमस्कार करदे आ लखां करोड़ां पापां दी निवृत्ति हुंदी है। ते सतगुरु जी कहिंदे गुरु दे चरणां दे विच मत्था टेकण दा नमस्कार करन दा महत्व है। गुरुदेव गुरु समझ के करी शुक्र विचार। सतगुरु जी कहिंदे गुरुदेव नूं गुरु समझ के उस दा शुक्र कर भाई जिसने तेरे ते कृपा कीती है। मैं निवेदन कीता कि जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदियां गुरु बिन घोर अंधार। सतगुरु जी कहिंदे सौ चंद्रमा हजार सूरज ऐसा संभव नहीं। सतगुरु जी समझाउणा करदे कि भाई संसार दे उत्ते इन्नी रोशनी इन्ना प्रकाश हो जावे लेकिन गुरु तो बिना फिर भी अंदर अंधेरा है बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो भवन सगलारे। सतगुरु जी कहिंदे जिस दिन तू गुरु दे चरणां दे विचों नाम दी दात लैके अपने जीवन विच नाम दी कमाई करेगा जिस दिन तेरे जीवन दे विच तेरे हिरदे विच परमात्मा दे नाम दी जोत जग जावेगी अज्ञानता दा अंधेरा दूर हो जांदा है और ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है। गुरु नाम ही उसदा है जेड़ा अंधकार तों प्रकाश दी तरफ लै जावे जेड़ा जीवन दे विच तेरे रोशनी कर दवे जो तेरे जीवन दे विच नवा प्रकाश कर दवे। सतगुरु जी कहिंदे भाई गुरु दे चरणां दे विचों ज्ञान दी सलाई लैके गुरु दे चरणां दे विचों ज्ञान दा प्रकाश लैके तू भी अपने जीवन दे विच अज्ञानता दे अंधेरे नूं दूर करके जीवन दे विच प्रकाश ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है। वंदना भगती छठी करे शिष बड भाग अवर करम सब त्याग कर गुरु
गुर की चरनी लाग बंदना भगती छठी ए करे शिष बडभाग। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई वंदना भगती छेवीं भगती है ते जिसनूं बड़े भागां वाला सेवक करता है। नौ प्रकार की भगती है। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि जो वंदना भगती है वह छेवीं भगती है और जिस ते गुरु कृपा होण जिस दे वड्डे भाग होण सतगुरु जी कहिंदे उस नूं इह जीवन दे विच प्राप्त हुंदी है। अवर करम सब त्याग कर गुर की चरणी लाग। हे जीव होर सारे करम त्याग के गुरु दे चरणां दे विच लग क्योंकि सच्चा सुख गुरु दे चरणां दे विचों ही मिलण वाला है। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। सतगुरु जी कहिंदे भाई जिथे मर्जी घूम लै जो सच्चा ज्ञान है वह गुरु दे चरणों दे विच ही है। तो सतगुरु जी कहिंदे भाई जीवन दे विच अगर ज्ञान नहीं है तो फिर जीवन जिमें बच्चे जानवरां दे भी ने इंसानां दे भी ने। पेट भरन वास्ते भोजन इंसान भी करता है जानवर भी करता है। निंद्रा इंसान भी लैंदा है और जानवर भी लैंदा है। सतगुरु जी कहिंदे इंसान विच और जानवर विच एक ही फर्क है कि भाई जी इंसान दे विच ज्ञान है और जानवर विच ज्ञान नहीं है। सतगुरु जी कहिंदे अगर इंसानी जीवन पा के भी जीवन विच ज्ञान नहीं है फिर करतूत पशु की मानस जात। सतगुरु जी कहिंदे कम जानवरां वाले ने ते कहण नूं इंसान है। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई गुरु दे चरणां दे विचों ही वो सच्चा ज्ञान मिलण वाला है। आओ असी भी प्रयास करिए असी भी सतगुरु दे चरणां दे विच आए हाँ कि गुरु साढ़े ते भी कृपा कर दन साढ़े ते भी मेहर करन सानू भी वो सच्चा सुख वो परम आनंद जीवन दे विच सतगुरु जी कहिंदे वो प्राप्त हो जाए जिस दे नाल साढ़े जीवन विच भी वो परम आनंद की प्राप्ति होवे। गुर के चरण बहु प्रेम कर माया मोह त्याग बिन गुर भगत ना थिर कशु जगत पसारा बाग। गुर के चरण बहु प्रेम कर माया मोह त्याग। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि गुरु दे चरण कमलों विच प्रेम कर और मोह माया दा त्याग कर। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई गुरु दे चरणां दे विच आ के कोई धियां पुत्रां दी जाचना करता है कोई महल बाड़ियां दी जाचना करता है कोई किसी चीज़ की मंग करता है कोई किसी चीज़ की मंग करता है। साहिब जी उच्चारण करते हैं कि भाई गुरु दे चरणां दे विच आ के
अगर असी गुरु तो बिना नाम तो बिना कोई दूसरी चीज मंग रहे हैं तो भाव असी अपने जीवन में दुख मंग रहे हैं। सतगुरु जी कहिंदे जिसने भगवान कोलों गुरु दे कोलों गुरु नू ही मंग लिया तो सतगुरु जी कहिंदे फिर भाई उसनू जीवन दे विच कोई कमी नहीं रहिंदी है, कोई चीज़ की किसी प्रकार की थोड़ नहीं रहिंदी। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। सतगुरु जी कहिंदे फिर सारे सुख जीवन दे विच उसनू प्राप्त हो जाते हैं। बिन गुर भगत ना थिर कछु जगत पसारा बाग। सतगुरु जी कहिंदे गुरु की भगती तो बिना कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ये संसार झूठ का बाग है। ते निवेदन किया पहले कि नानक कच्चड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओ जवंदे बिछड़े ओ मोया ना जाई छोड़। सतगुरु जी कहिंदे भाई संसार झूठा है, जो भी अखां दे नाल देख रहे हैं सतगुरु जी कहिंदे भाई सारा कुछ नाशवान है, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। सतगुरु जी ने नाम की गल की है, कई भाई परमात्मा का पवित्र नाम ना वो गंदा होने वाला है ना वो मैला होने वाला है। तो सतगुरु जी कहिंदे परमात्मा का नाम ही दुनिया दे विच अजर अमर है और सतगुरु जी कहिंदे वो ही स्थिर है, बाकी ये सारा संसार नाशवान है। पूरन पुन परताप ते जाग्यो इसो बैराग सोयो मोह की नींद में गुर कृपा पयो सो जाग। पूरन पुन प्रताप ते जाग्यो इसो बैराग। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई पिछले किते हुए पुन्ना करके इस जीव के जीवन में बैराग उत्पन्न होता है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हरस्यो पैज राखो राजा राम मेरी। गुरु जी कहिंदे जिन्ना चिकर ये जीव साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, जिन्ना चिकर जीवन दे विच संतां दी संगत विच नहीं जांदा उन्ना चिकर जीवन विच बैराग नहीं उत्पन्न हुंदा। ते सतगुरु जी कहिंदे भाई जिन्ना चिकर जीवन विच बैराग नहीं है ते परमात्मा दी प्राप्ति होने वाली नहीं है। पूरन पुन प्रताप ते जाग्यो इसो बैराग। पिछले किते हुए पुन करके पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाई। पुन दान नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनोरे संतो मिल सा संगत तर जाएगा। सतगुरु जी कहिंदे भाई इस संसार ते आए हैं ना परमात्मा दे नाम दी भगती कीती है ना दान पुन कीता है, केड़ा मुख लैके गुरु दी कचहरी विच जावेगा। बच्चा स्कूले पढ़न वास्ते जांदा है, स्कूल दे विच भी उस नूं पढ़ाया जांदा ते घर वास्ते भी होमवर्क दिता जांदा है। बच्चा अगर अपना जिहड़ा होमवर्क है
वो घर का दिता हुआ काम जो नहीं करता तो दूजे दिन स्कूले जाने तो घबरा डरदा है कि टीचर मैं पनिशमेंट देगा सज़ा देगा। तो सतगुरु जी कहते सिमरन भजन दया नहीं कीनी। बचपना है आदमी खेल कूद के बतीत हो जाता है सोचता अजे तो बहुत उम्र पई है। जवानी घर के कमां कारां दे विच होर गल्लां दे विच बतीत हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। सतगुरु जी कहिंदे आदमी बुढ़ापे वेले फिर गोडियां तो बैठिया नहीं जाता रसना तो कहना कुछ होर है निकलता कुछ होर है कन्ना तो सुनाई नहीं दिंदा। तो सतगुरु जी कहिंदे फिर अग्गा नेड़े आ गया पिछे रहा दूर। सतगुरु जी कहिंदे फिर आदमी पछताउंदा है पश्चाताप करता है कि भाई मेरा जीवन हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सतगुरु जी कहिंदे आदमी कहिंदा मेरा इन्ना जीवन हीरियां वर्गा जीवन बतीत हो गया सी मैं कौड़ियां दे भा इस नूं बर्बाद कर दिता है। ते आओ गुरु पैरी साध संगत जी वो सच्चा ज्ञान वो सच्चा आनंद गुरु दे चरणां दे विच्चों प्राप्त होण वाला है। ईरखा बखिली द्वैष भावना चुगली निंदिया सारिया चीज़ों का सतगुरु जी कहिंदे त्याग करके ए मन परमात्मा का नाम जप तेरे जीवन का एक एक श्वास घटता चलिया जा रहा तेरा जीवन दिन पर दिन छोटा हुंदा जा रहा। गुरुआं का यही इशारा है कि भाई परमात्मा का नाम जपो परमात्मा के नाम की भगती करो। महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज समुचियां संगतां नूं यही उपदेश बख्श करते हैं कि भाई जिहड़े श्वास गुरु के चरणों के लग जाण जिहड़े श्वास गुरु के नाम के लग जाण उन्हां दा ही मुल पैंदा है। तो आओ गुरु पैरी साध संगत जी सानू यह अमोलक जीवन प्राप्त होया है परमात्मा का नाम जपण वास्ते परमात्मा के नाम की भगती करन वास्ते। सतगुरु जी कहिंदे भाई भगती भी उन्हां दे जीवन विच है जिन्हां ते गुरु की बख्शिश है जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाए जिन्हां ते गुरु रहमत कर दे। सतगुरु जी कहिंदे गुरु की कृपा तो बिना जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। सतगुरु जी कहिंदे वो माँ बाप भी धन ने वो माता पिता भी पूजन दे योग ने जिन्हां दे बच्चे परमात्मा का नाम जपते हैं परमात्मा के नाम की भगती करते हैं। तो आओ परमात्मा का नाम पूरन गुरुआं की शरण विचों मिलने वाला है। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हर बुधवार कृपा करते हैं संगतां नूं जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे सतगुरु जी ने नाम जपण का संदेश दिता। तो हर बुधवार महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज संगतां ते कृपा करके उन्हां नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दे ने। सतगुरु जी कहिंदे जिहड़े नाम दे रसीए ने वो आप नाम जपदे आ और संगतां नूं नाम जपण दा संदेश दिंदे आ कि भाई परमात्मा दा नाम जपो तुहाडे जीवन दे विच वी उह आनंद आ सकदा है तुसीं वी उस आनंद नूं अपने जीवन दे विच प्राप्त कर सकदे हो जदों नाम जपोगे। तो फिर सतगुरु जी कहिंदे ऐसा नहीं है कि आपां सारे काम कार छड्ड देणे आ ते केवल नाम जपण वास्ते बैठ जाइए। महाराज जी कहिंदे ऐसा भी नहीं है हथ काम कार वल दिल करतार वल। सतगुरु जी कहिंदे हथां पैरां दे नाल काम भी करने आ जदों समा बैठ मिलदा आ चौकड़ा मार के सवेरे शाम बैठ भी सकदे आ घरां दे काम कार भी करो। सतगुरु जी कहिंदे जिहड़ा मन है वह गुरु के चरणों के नाल होना चाहिए जिमें महापुरशां ने समझाउणा कीता है कि भाई बच्चा अपने दोस्तों मित्रां दे नाल पतंग चढ़ाउंदा आ ते वह पतंग चढ़ाउंदा आ और अपने सज्जणा मित्रां दे नाल गल्लां भी करदा आ वो गल्लां भी करदा आ डोर हथ विच पड़ी है पतंग आसमान विच है ते कहिंदे जिहड़ा उहदा असली मन है वो पतंग विच हुंदा है। दूसरी उदाहरण गुरुआं ने दित्ती है कि माता अपने बच्चा या छोटी अवस्था विच बच्चा है उसनू पंगूड़े दे विच पा दिंदी है
घर दे सारे काम कर करदी है, घर दे काम कर करदी है, लेकिन जेड़ा उहदा असली मन है, उहदा जेड़ा ध्यान है, वह अपने बच्चे दे विच कंसंट्रेट है। ते सतगुरु जी कहिंदे भाई इसे तरह गुरु चरणा दे विच महाराज जी एक होर उदाहरण दिंदे है कि पुरातन जमानियां दे विच लोग जानवर रखते सी बाहर चराउण वास्ते जांदे सी गऊ नूं, ते गऊ खेतां दे विच चरदी है, चाहे वह जिहड़ा चराउण वाला आदमी है वह होर भी गल्लां बातां जां उहदा ध्यान आ, लेकिन असली ध्यान उहदा उहनां दे विच रहिंदा है। सतगुरु जी कहिंदे इसे तरह भाई हथ कम कार वल दिल करतार वल, हथां का पैरां दे नाल असीं संसारिक काम भी करने हैं लेकिन मन गुरु दे चरणां दे नाल जोड़ के रखी है। तो आओ अगलियां पंक्ति अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज समझाउणा करदे, सोयो मोह की नींद में गुर कृपा पिओ सो जाग। सतगुरु जी कहिंदे जीव मोह दी नींद विच सुत्ता होया है, तो जदों गुरु कृपा करदा है सतगुरु जी इहदे सिर दे उत्ते हथ रख दिंदे है, तो सतगुरु जी कहिंदे अज्ञानता दी नींद दे विचों फिर जाग जांदा है। रविदास गुरु चरण को तू कभी नहीं त्याग, रविदास चरण को तू कभी नहीं त्याग। सतगुरु रविदास जी महाराज अंतम पंक्ति दे विच जीव रूपी आत्मा नूं समझाउणा करदे आ कि हे जीव तू कदी भी गुरु दे चरणा नूं त्याग ना, हमेशा गुरु दे चरणा दे विच अपना ध्यान लगा के गुरु दे चरणा दे नाल प्रीत कर।